हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, मैं एक और न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जो रीडिंग करने वाली हूँ, मैं आप सभी लोगों के लिए जानेंगे जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, काफ़ी टाइम से इस टॉपिक पर रीडिंग नहीं की है, तो अभी रीडिंग करेंगे। और शुरू करने से पहले गाइस बता दूँ कि ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। और रीडिंग भी ये टाइमलेस है। ओके, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले एक बात और बता दूं, अगर आपको अपने लिए पर्सनल रीडिंग करानी है, पर्सनली जानना है कि आपके पर्सन क्या सोचते हैं आपके बारे में, या अपनी लव रीडिंग करवानी है, या फिर अपनी वर्क से रिलेटेड कुछ पूछना है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक है, वहाँ पर जाकर आप मेरे को डीएम कर सकते हैं और और अपनी रीडिंग के लिए बात कर सकते हैं। ठीक है, प्राइजेस और डिटेल सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, तो अच्छे से आप पढ़ के तभी मैसेज करना। चलिए रीडिंग पर आते हैं और देखते हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वांड्स, मैजिशियन, पेज ऑफ सोर्ड्स, डेविल, फोर ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस। Three of Pentacles and the Wheel of Fortune. I hope कि आपको सारे ही cards दिख रहे हैं। Okay. कार्ड्स हैं और यहाँ से एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मुझे बता रही है कि कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन करने के बारे में सोच रहे हैं आपके पर्सन, मैसेज, चैट, कॉल करने के बारे में सोच रहे हैं, बिकॉज यहाँ से ओवरऑल एनर्जी में ये चीज़ आई है। डेविल कार्ड, यहाँ पे डेविल कार्ड मैं इतना नेगेटिव नहीं लूँगी इसको, बिकॉज इतने सारे पॉजिटिव कार्ड्स हैं हमारे पास। डेविल मतलब मैं यही देख रही हूँ कि रोमांटिकली आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं या फील कर रहे हैं, आपको आपकी याद आ रही है इस पर्सन को, ये देख रहे हैं आपको डिफरेंट रोल प्ले करते हुए, लाइक आप अपने स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हो, आप अपने वर्क एरिया में बहुत ज़्यादा ही फोकस कर रहे हो। साथ ही साथ एम्प्रेस की एनर्जी का मतलब है कि आप बहुत ही एक कूल माइंडेड पर्सन हो, तो ये सारी चीज़ें वो देख रहे हैं कि आप मतलब कितने, मतलब आपकी अच्छाइयों पर ज़्यादा फोकस है आपके पार्टनर का इस टाइम, चाहे आपकी बात हो रही है या नहीं हो रही है, बट स्टिल वो आप लोगों, मतलब आपके लिए अच्छा ही सोच रहे हैं। वो देख रहे हैं कि आप अपनी स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हो, किस तरीके से चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर रहे हो, कैसे अपनी मनी को मैनेज कर पा रहे हो, फोकस कर रहे हो अपने बिजनेस करियर पर, और साथ ही साथ एक एम्प्रेस की तरह बिहेव कर रहे हो, बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही कामली। ठीक है, इस तरीके से देख रहे हैं आपके पार्टनर, मतलब सोच रहे हैं आपके बारे में, या वो आपको इस तरीके से काम करते हुए देख रहे हैं। ये पर्सन आपको काफ़ी स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, ऐसा भी मैं देख रही हूँ। हालांकि वो इस कनेक्शन की डिटेल जानने की कोशिश कर रहे हैं, वो अभी भी थोड़े से कंफ्यूज्ड हो सकते हैं कि क्यों इतना अट्रैक्शन फील हो रहा है आपको लेकर, या क्यों आपकी तरफ खिंचते चले आ रहे हैं, क्यों वो और ज़्यादा इस कनेक्शन की बारे में जानना चाहते हैं, या कुछ चीज़ों जो जो फैक्ट्स हाइड हैं अभी उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ सर्च, कुछ ना कुछ डिस्कवर करते हुए दिख रहे हैं विद दिस कार्ड थ्री ऑफ पेंटिकल्स। वो चाहते हैं, वो लोगों से पूछ रहे हैं, लोगों को अपनी आपकी और उनकी जो लव स्टोरी रही है वो शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे हम मिले, ऐसे ऐसे हम अलग हो गए, या ये प्रॉब्लम्स हैं, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, क्यों मेरी लाइफ में ये चीज़ें हो रही हैं, क्यों मैं इस इंसान को भूल नहीं पा रहा हूँ। तो जो इनके ट्रस्टवर्दी जो हैं, जो इनके वेल विशर्स हैं, ये उनके साथ ये बातें डिस्कस करते हुए दिख रहे हैं और एक कंक्लूजन तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि
इसकी ना जो अभी जो सिचुएशन है वो कुछ ऐसी है डेविल, ये परेशान हो रहा है इन क्वेश्चंस का आंसर, इसको किसी भी हालत में चाहिए, इसका दिमाग ख़राब हो रहा है थोड़ा सा। लेकिन दिमाग ख़राब होने के बाद भी आपके बारे में जो सोच है और जो आपकी इमेज बनी हुई है वो कुछ ऐसी है, ये कभी कभी आप दो मतलब आपसे जो इसको वाइब मिलती है वो उसको इसकी मदर से मिलती है, तो वाइब बिल्कुल सेम है, ये चीज़ भी मैं देख रही हूँ यहाँ पे। इसीलिए इंसान आपको स्टॉक कर रहा है, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करने की भी कोशिश कर रहा है। फ़िलहाल ही इंसान चाहता है कि इस कनेक्शन में कुछ तो जजमेंट मिल जाए, जैसे कि ये इंफॉर्मेशन सीक आउट करता हुआ दिख रहा है, तो ये पर्सन चाहता है कि इसको एक जजमेंट मिल जाए, इस कनेक्शन से रिलेटेड कुछ तो कंक्लूजन मिल जाए, और मुझे मिलता हुआ दिख रहा है नियर फ्यूचर में, बिकॉज़ यहाँ पे द व्हील ऑफ फॉर्चून और जजमेंट का कार्ड है। तो ये इंसान कहीं ना कहीं इतना तो सोचता है आपको लेकर कि आप इसके डेस्टिनी में लिखे हुए हो, यू आर डेस्टाइन पार्टनर, इस तरीके से आप दोनों एक दूसरे के लिए हैं, ऐसा ये सोच रहे हैं। वाह, ब्यूटीफुल एनर्जी, वी हैव 3 मेजर अरखाना, नो 4 5 मेजर अरखाना इन दिस रीडिंग। तो इसको लगता है कि आप इसके डेस्टाइन पार्टनर हो, दैट इज़ वाई ये भूल नहीं पा रहे हैं, इसका कंक्लूजन ये है। बट ये दूसरों से भी पूछ रहे हैं जिन पर ये ट्रस्ट करते हैं, 4 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है आपको ये अपनी चीज़ें नहीं बता रहे, हो सकता है इसको मनी इश्यूज़ हैं, बहुत सारे हो सकते हैं इश्यूज़, बट इश्यूज़ के होते हुए भी इंसान इतना सोच रहा है किसी के बारे में, तो वो इंसान खास बन चुका है, स्पेशल बन चुका है, आम इंसान तो नहीं रहा। तो मैजिशियन एनर्जी, आपको लग सकता है कि ये इंसान प्लेयर है, या आपको छोड़ रहा है, या आपको धोखा दिया है, ऐसा नहीं है। मैजिशियन इन द सेंस कि ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहा है बहुत अच्छे से, और चीज़ों को समझने की जानने की भी कोशिश कर रहा है विद दिस एनर्जी, मैजिशियन एनर्जी। तो यस गाइस, यहाँ पर आप इसको प्लेयर ना समझकर, अगर आपको थोड़ी भी पॉजिटिविटी आती है इस इंसान से, तो उसको प्लेयर मत समझो, ये समझो कि ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहा है हर एक चीज़, और मैनिफेस्ट करने के टाइम पर सेपरेशन आ सकता है। मुझे लगता है कि इंसान कॉल मैसेज भी आपको करने की कोशिश कर सकते हैं, या गलती से हो गई कॉल, या कुछ पूछने के लिए, मतलब इसको आपकी याद आ रही है, ये बताएगा नहीं ये बात, या बताएगी नहीं ये बात, लेकिन इनडायरेक्टली कुछ कॉल मैसेज आ सकता है, फिर बोल देंगे अरे गलती से हो गया था, या फिर कोई छोटी सी बात जानने के लिए एक बहाना जैसे होता है ना एक्सक्यूज़, तो वो चीज़ हो सकती है, तो वो मुझे यहाँ दिख रहा है। कार्ड भी कैसे, अभी शफल कर लेती हूँ ना, फिर देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं। ओके, रिलीज़ योर एक्स, तो हो सकता है ये जैसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो अपने जो भी एक्स एनर्जी है उसको ये रिलीज़ कर रहे हैं। दिस टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी, अपनी एनर्जी क्लियर कर रहे हैं सो दैट ये आप तक पहुंच सके। दिस इज़ गुड। एंड वी हैव कीप एन ओपन माइंड। देखो, अगर इनकी लाइफ में कोई एक्स आया हुआ है या आया था, लाइक आपको छोड़कर ये थर्ड पार्टी के पास अगर गए थे, तो आप इसे अपनी जर्नी का एक पार्ट समझ लेना, बिकॉज़ उसके साथ एक कुछ कार्मिक होगा कि इसको डील करना पड़ा या करना पड़ रहा है, बट ये बहुत जल्दी अपनी एनर्जी रिलीज़ करने वाले हैं वहाँ से। ओके, सो कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट मे डिफ़र फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। और ये चीज़ तब होती है जब हमारा थर्ड पार्टी के साथ कुछ कार्मिक कनेक्शन होता है, कुछ कर्मा कनेक्ट होता है, तो हमें वो चीज़ क्लियर करनी पड़ती है, तो हमें फिर मिलना ही पड़ता है उनसे, ठीक है? जो कर्म है उसे क्लियर कर कर ही आगे बढ़ोगे, तभी आपका यूनियन पॉसिबल है। तो अगर ये इस एनर्जी में थे, तो आपको प्रेयर करनी चाहिए कि मेरा पार्टनर इस एनर्जी से जल्द निकल जाए, क्योंकि दिल को पता होता है, हमारे माइंड को, हमारी सोल को पता होता है कि ये इंसान कितना लॉयल है हमारे साथ। तो अगर आपको उसकी लॉयल्टी दिख रही है, तो फिर आपको थर्ड पार्टी से डरना नहीं चाहिए, वो डील करके फ्री होकर अपने पास अपने आप आपके पास आ जाएगा या आ जाएगी, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके,
तो ये उसी एनर्जी में दिख रहे हैं मुझे, और ये बाहर आते हुए दिख रहे हैं इस एनर्जी से. वेडिंग, वाओ, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज. प्लान कर रहे हैं आपके साथ शादी वादी का ना. एंड कॉलिंग इन योर सोलमेट. देखो, अपने एक्स को रिलीज कर कर किसको याद कर रहे हैं, किसको बुला रहे हैं, किसके लिए प्रेयर कर रहे हैं? सोलमेट के लिए, आपके लिए. योर प्रेयर्स, एफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर. तो आप भी करो ना प्रेयर, वो भी तो कर रहे हैं मैनिफेस्ट करते करते. अपनी एनर्जी, जो भी कर कार्मिक चीज़ें हैं उनको रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं, साथ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वेडिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं. आप भी करो, पॉजिटिव रहो, बिल्कुल पॉजिटिव रहो. यू डिज़र्व लव बिकॉज आप एक दूसरे का प्यार डिज़र्व करते हो. एंड अनरिक्वायर्ड लव, ये इसलिए लग रहा होगा क्योंकि आप दोनों की बात नहीं होती है. दैट इज़ वाई, कि यहाँ तो केमिस्ट्री नहीं बची, यहाँ तो कोई पैशन ही नहीं है हम दोनों के बीच में, कोई केमिस्ट्री नहीं है. तो क्यों इस कनेक्शन को आगे बढ़ाएं? भाई आगे तो बढ़ाना पड़ेगा, और बढ़ाओगे क्योंकि सोलमेट कनेक्शन है. वेडिंग तक जा रहे हो आप, डोंट वरी, पॉजिटिव. देखो, आपके आपके हाथ में भी नहीं है. अगर ये कनेक्शन ऐसा है, डेस्टाइंड है, तो आपके पार्टनर कितनी भी कोशिश कर लें दूर जाने की, या आप कितनी भी कोशिश कर लो दूर जाने की, यूनिवर्स तो आपको एक ट्रैक पर ला के रहेंगे. आप नहीं अलग हो सकते. तो जब कन्फ्यूजन ज़्यादा बढ़ जाती है, तब मैं यही सजेशन देती हूँ कि सरेंडर कर दो. सरेंडर करो, जो आपका है आपके पास आएगा. और यूनिवर्स आपको भूलने ही नहीं देंगे उस इंसान को जिनसे आपका लिखा हुआ है आगे होना है, शादी वगैरह, फ्यूचर है साथ में. तो उनसे तो यूनिवर्स वैसे भी दूर नहीं होने देंगे. जैसे कार्मिक के साथ दूर नहीं होने दिया क्योंकि कर्मा था उनके साथ क्लियर करना था, तो यूनिवर्स वहाँ तक उस इंसान को लेके जाएगा. कर्मा क्लियर करते क्योंकि आपके साथ उसकी आगे की ज़िंदगी है, आपके आपके साथ आगे की उसकी जर्नी है, तो यूनिवर्स आपके पास लेकर आएंगे उसको वहाँ से फ्री करा के. तो यूनिवर्स तो आपका पीछा छोड़ेंगे नहीं. जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो तो होकर रहेगी. तो आप अच्छे से पॉजिटिव रहा करो, ट्रस्ट कर कर आगे बढ़ जाया करो, ठीक है? ऐसे किया करो. सो आई थिंक कि बहुत सारी क्लियरिटी मिली होगी, बहुत ज़्यादा टेंशन फ्री हो गए होगे अब रीडिंग को देखकर. सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज. अभी के लिए बस इतना ही. बाय, टेक केयर.